जी बताएं, आज पाली बंद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले समय में ये हमारे पीने के पानी में 1000 की कटौती की गई थी, जिसका खामियाजा हमने अभी अभी भुगता है। बहुत सी भाइयों ने, बहनों ने रात को 12-12 बजे तक पानी के लिए भटकते रहे, सारे कामकाज छोड़कर। और 4000 TDS का दूषित जल पीने से पाली शहर की जनता को हमने देखा है, बच्चों को, बूढ़ों को, युवाओं को, महिलाओं को अस्पताल के अंदर डायरिया, दस्त और बुखार से और उल्टी दस्त से मरते हुए। उस समय हमने संकल्प लिया कि हम दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, चाहे हमारे प्राणों की आहुति लग जाए। और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक जनता को पूरा पानी नहीं मिल जाता है। हमें 4200 MCFT की ज़रूरत है, और खासकर कह रहे हैं कि आधा ले लो। हर बार ये आधा दे देते हैं, और सरकारी मशीनरी, सरकार ये सारे घुटने टेक देते हैं उनके सामने। तो जनता की पहली प्राथमिकता पेयजल है, और उसके बाद में जो है दूसरी सिंचाई की है। इसी अभियान के अंतर्गत जनता का ये धरना है, प्रदर्शन है, जनता का बंद है, जनता का आह्वान है, और जनता को ही इसमें समय दोगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर माकूल जवाब सरकार, प्रशासन और उस वर्ग को देना चाहिए जो हमें प्यासा रखना। क्या क्या मांगे रहेगी आपकी इसमें? मांगे मुख्यतः यही है कि पर्याप्त पानी मिले पेयजल का। और कोई मांग अगर पानी की, जैसे रोहित पाइपलाइन है, जैसे और भी है? रोहित पाइपलाइन अगर आप देंगे तो पंजाब कैनाल की सफाई होती है 2 महीने भीषण गर्मी में, तो जोधपुर को भी पानी नहीं मिलता, तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? इसलिए एक पाइपलाइन आ गई तो कल ये मांग करेंगे। मारवाड़ भी पाइपलाइन के, मारवाड़ को भी पाइपलाइन से दो, रायपुर को दो, जैतारण को दो, सोजत को दो, यही खासकर कहेंगे। और बंदे को बंद डैम जो बना है जवाई बांध, वो पेयजल के लिए बना है, ना कि सिंचाई के लिए। और ये सिंचाई के लिए उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए जवाई पुनर्भरण भी होना चाहिए, और हम चाहते हैं किसानों को भी पानी मिले और पीने का पानी पहले मिले। जी बताएं, आज पाली बंद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले समय में ये हमारे पीने के पानी में 1000 की कटौती की गई थी, जिसका खामियाजा हमने अभी अभी भुगता है। बहुत सी भाइयों ने, बहनों ने रात को 12-12 बजे तक पानी के लिए भटकते रहे, सारे कामकाज छोड़कर। और 4000 TDS का दूषित जल पीने से पाली शहर की जनता को हमने देखा है, बच्चों को, बूढ़ों को, युवाओं को, महिलाओं को अस्पताल के अंदर डायरिया, दस्त और बुखार से और उल्टी दस्त से मरते हुए। उस समय हमने संकल्प लिया कि हम दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, चाहे हमारे प्राणों की आहुति लग जाए। और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक जनता को पूरा पानी नहीं मिल जाता है। हमें 4200 MCFT की ज़रूरत है, और खासकर कह रहे हैं कि आधा ले लो। हर बार ये आधा दे देते हैं, और सरकारी मशीनरी, सरकार ये सारे घुटने टेक देते हैं उनके सामने। तो जनता की पहली प्राथमिकता पेयजल है, और उसके बाद में जो है दूसरी सिंचाई की है। इसी अभियान के अंतर्गत जनता का ये धरना है, प्रदर्शन है, जनता का बंद है, जनता का आह्वान है, और जनता को ही इसमें समय दोगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर माकूल जवाब सरकार, प्रशासन और उस वर्ग को देना चाहिए जो हमें प्यासा रखना। क्या क्या मांगे रहेगी आपकी इसमें? मांगे मुख्यतः यही है कि पर्याप्त पानी मिले पेयजल का। और कोई मांग अगर पानी की, जैसे रोहित पाइपलाइन है, जैसे और भी है? रोहित पाइपलाइन अगर आप देंगे तो पंजाब कैनाल की सफाई होती है 2 महीने भीषण गर्मी में, तो जोधपुर को भी पानी नहीं मिलता, तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? इसलिए एक पाइपलाइन आ गई तो कल ये मांग करेंगे। मारवाड़ भी पाइपलाइन के, मारवाड़ को भी पाइपलाइन से दो, रायपुर को दो, जैतारण को दो, सोजत को दो, यही खासकर कहेंगे। और बंदे को बंद डैम जो बना है जवाई बांध, वो पेयजल के लिए बना है, ना कि सिंचाई के लिए। और ये सिंचाई के लिए उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए जवाई पुनर्भरण भी होना चाहिए, और हम चाहते हैं किसानों को भी पानी मिले और पीने का पानी पहले मिले। बार आता है, उन्हें सुन दो ही आलता हूँ।
अरे तुरंत हम भी आ रहे हैं।